नमस्ते। टेम्पोरो मैंडिबुलर डिसफंक्शन, ये टॉपिक आपको डिटेल में समझना है तो थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए इसके बारे में। तो इसके लिए मैं एक मॉडल आपको बताऊंगा। ये है टेम्पोरल बोन और ये मैंडिबुलर। ये जॉइंट जो दिख रहा है ये है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ये एक जॉइंट है, ये दूसरा जॉइंट है। इसका जॉ मूवमेंट ऐसा होता है। ये जॉइंट समझो, ये जो जॉइंट है ये दोनों जॉइंट ठीक से होना चाहिए ये दांत का मूवमेंट ठीक रहने के लिए। तो ये टेम्पोरल जॉइंट में बहुत सारा डिसीजेस होने का चांसेस है। टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसफंक्शन, आर्थराइटिस, आर्थरोसिस, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, ऐसा बहुत सारा डिफरेंट डिसीजेस हो। तो ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ डिसफंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। और ये जो टॉपिक है इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है ये मैक्सिलोफेशियल सर्जन करते हैं। तो मैं ये वीडियो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 90% पेशेंट्स जो है वो पहले ईएनटी कंसल्ट करते हैं, बोलते हैं कि उनका कान दुख रहा है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम कान में नहीं है, कान के फ्रंट में जॉइंट इधर होता है, इधर दोनों साइड। तो हमारे पास पहले आके बोलते हैं कि कान दुख रहा है, जब एग्जामिन करके डायग्नोस करते हैं टीएम जॉइंट डिसफंक्शन बोल के डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करेंगे तो 90-95% लोग वो ट्रीटमेंट से ठीक होने का चांसेस है। जो ईएनटी साइड से जो है मैं आपको वो बताऊंगा। और ये जो जॉइंट जो है इसका मूवमेंट ठीक होने के लिए इसमें मसल्स होता है, जॉ ओपन करने के लिए मसल होता है, जॉ क्लोज करने के लिए मसल्स होता है, और जॉइंट के बीच में एक कुशन जैसा है, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं ये जॉइंट है और बीच में कुशन है, वो कुशन सामने हिल भी सकता है, सामने आके डिसलोकेट हो सकता है, और उसका ग्लाइडिंग मूवमेंट से ये दोनों जॉइंट ठीक से काम करता है। तो जॉ ओपन करने के लिए मसल्स डिफरेंट है और जॉ क्लोज करने के लिए मसल डिफरेंट में, तो इसका बारे में डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं ये वीडियो का मकसद ये है कि घर में आप क्या क्या कर सकते हैं ताकि ये पेन जल्दी में रिलीव हो जाए, और जो पेन का टैबलेट्स है वो आपका डॉक्टर बताएगा, होम रेमेडीज और घर में क्या क्या एक्सरसाइज क्या क्या करना है ये मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। अभी ये देखेंगे तो इसका मेन रीजंस क्या क्या देखेंगे। टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसफंक्शन के लिए तीन रीजन हो सकता है, एक मसल डिसऑर्डर, सेकंड डिस्क डिसऑर्डर और लास्ट जॉइंट डिसऑर्डर। मसल डिसऑर्डर में इसका मेन रीजन जो है ये मसल स्पैसम में चला जाता है हाइपरएक्टिव की वजह से, और उसका कारण है स्ट्रेस नहीं तो हेड पोस्चर। स्ट्रेस में यह होता है कि जो भी पेशेंट है ये 20 और 40 इयर्स एज ग्रुप में रहते हैं और फीमेल्स में ये ज्यादा, तो ये पेशेंट्स स्ट्रेस की वजह से हर टाइम वो दांत चबाते रहते हैं स्ट्रेस की वजह से, और उनका पोस्चर, और जब बैठ के काम करते हैं कंप्यूटर में काम करते हैं उनका पोस्चर भी ठीक नहीं होता। जब गले में पोस्चर ठीक नहीं होता उसके असर टीएम जॉइंट में भी हो सकता है। सेकेंड डिस्क डिसऑर्डर, इसका मेन रीजन है डेंटल मिसअलाइनमेंट और डिसलोकेशन, इसके बारे में बताऊंगा मैं। लास्ट जॉइंट डिसऑर्डर, उसका रीजन है ट्रोमा नहीं तो सिस्टमिक डिसीजेस लाइक आर्थराइटिस। जब हम पेशेंट से पूछते हैं कि उनका वर्क टेंशन रिलेटेड कैसा है तो बताएंगे कि वो कंप्यूटर पे रहते हैं हर टाइम और स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, और जब पोस्चर के बारे में पूछेंगे तो उनका पोस्चर भी ठीक नहीं रहता, और उनका पुअर ईटिंग हैबिट्स होने का चांसेस भी है। पुअर ईटिंग हैबिट्स मतलब जब पेशेंट को डेंटल कैरीज होता है, समझो राइट साइड में डेंटल कैरीज है जैसे ये पिक्चर में बताया, तो वो अगर जो राइट साइड में खाएंगे उनको दर्द ज़्यादा रहेगा, तो वो लेफ्ट साइड में खाने के लिए ट्राई करेंगे, तो जितना लेफ्ट साइड में खाएंगे नॉर्मल साइड में खाएंगे वो लेफ्ट साइड का टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट ज़्यादा फंक्शन करेगा,
और पेनफुल सिचुएशन में जाने का चांसेस है। और मिस अलाइनमेंट है, डेंटल अलाइनमेंट ठीक नहीं है, और समझो टीथ एक्सट्रैक्शन, टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद, सो डॉक्टर्स डेंटिस्ट बोलते हैं कि दो तीन दिन में इस जिस साइड में दांत निकाले हैं वो साइड में कम खाना। बट ज़्यादा देर क्या होता है कि पेशेंट ऐसा ही प्रैक्टिस कंटिन्यू करके 4-5 हफ्ते कर लेते हैं, वो दूसरा साइड से खाते हैं। जब नॉर्मल साइड में ज़्यादा चबाते हैं तो नॉर्मल साइड का टीएम जॉइंट ज़्यादा काम करके मसल स्पैसम जाके उनको पेन एग्रेवेट हो जाता है, और जब भी माउथ ओपनिंग वाइड होता है तब भी प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। अभी पेशेंट्स का कंप्लेंट्स क्या रहेगा, जैसा मैंने पहले बताया मेन कंप्लेन उनका ईयर पेन रहेगा। तो हमारे पास आते हैं, आके बोलते हैं कि ईयर पेन है, तो जब हम ईयर एग्जामिन करते हैं न तो एंडोस्कोपी करके देखते हैं न तो सो ईयर रिलेटेड टेस्ट करेंगे, सब नॉर्मली रहेगा। जब पेशेंट जॉ मूव करते हैं, जैसे कि मुंह खोलते हैं वो टाइम में, उसी वक्त उनको कान के सामने पेन रहेगा, और कभी कभी वो बताते हैं कि क्लिकिंग साउंड, पॉप साउंड भी रहता है। अगर जो ऐसा ही छोड़ दिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो ये पेन, ईयर पेन बढ़ के उनको हेडेक भी होने का चांसेस है। जिस पेशेंट को माइग्रेन भी है उनका माइग्रेन का कंप्लेंट्स बढ़ने का चांसेस है। अभी ये क्या करने से ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का दर्द बढ़ सकता है, ज़्यादा चू करेंगे, जॉ मूवमेंट ज़्यादा रहेगा, और कभी कभी पेशेंट आके बताते हैं कि वो रात का टाइम में पेन बढ़ जाता है, स्पेशली 3 बजे के बाद अर्ली मॉर्निंग और 5 बजे के दरमियान, बिटवीन 3 एंड 5, क्योंकि वो टाइम में ठंड ज़्यादा रहता है तो एक्सपोजर टू कोल्ड, ऐसा टाइम में भी ये पेन एग्रेवेट होने का चांसेस है। अब एग्जामिनेशन, नॉर्मली ऐसा पेशेंट जब दर्द शुरू होता है तभी आ जाते हैं 2-3 दिन के अंदर। अगर जो ऐसा ही छोड़ दिए तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना छोड़ दिए तो उनको ज़्यादा कंप्लेंट्स रहेगा और वो ठीक से मुंह खोल भी नहीं सकते। नॉर्मली माउथ ओपनिंग जो है 5 सेंटीमीटर तक, नहीं तो 3 फिंगर ठीक से रख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर तक ओपन कर सकते हैं। क्रॉनिक हो गया तो माउथ ओपनिंग प्रॉब्लम रहेगा, और जब दोनों कान के सामने हाथ, डॉक्टर हाथ रखने के बाद बोलेंगे, पेशेंट के पास बोलेंगे कि आप मुंह 2-3 बार खोल के बंद करो, वो टाइम में जब ऐसा करेंगे जिस साइड में, समझो लेफ्ट साइड टीएम जॉइंट डिसफंक्शन है तो लेफ्ट साइड में पेशेंट पेन बताएगा, उसी टाइम में उसी साइड में, समझो लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड के कान के अंदर एक फिंगर रख के सामने की तरफ प्रेस करते हैं डॉक्टर, तो ये उसके बाद माउथ ओपनिंग क्लोज, मुंह खोल के बंद करने के लिए 4-5 बार खोल के बंद करने के लिए बताएंगे, तो वो टाइम में उनका दर्द और भी बढ़ जाएगा, वो टाइम तो डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। तो वो टाइम में पेशेंट को क्लिकिंग साउंड नहीं तो क्रिपटस साउंड हो सकता है, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मेनली मैं आपका होम रेमेडीज, घर में क्या क्या करने करके ये दर्द कम कर सकते हैं ये मैं आपको ज़्यादा बताऊँगा। टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसफंक्शन के लिए, वो एक डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन, डिटेल इन्वेस्टिगेशंस नहीं चाहिए, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्नोसिस है। जब इनका ड्यूरेशन हफ्ते से लेके महीनों भर चला गया वो टाइम में हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए। एक्सरे में ऑर्थोपेंडोमोग्राम न तो प्लेन एक्सरे लैटरल ओब्लिक व्यू में हमें डेंटल अलाइनमेंट, उसका जॉइंट का पोजिशन समझ में आ जाएगा। जब ये ट्रीटमेंट हमारे साइड से, ENT के साइड से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो हम मैक्सिलोफेशियल सर्जन है तो TM जॉइंट स्पेशलिस्ट के पास रेफर करते हैं। तो TM जॉइंट स्पेशलिस्ट एक MRI कराएंगे आपका जॉइंट का और एक आर्थ्रोस्कोपी भी। अभी ट्रीटमेंट में हम देखेंगे जॉ रेस्ट, कॉन्ट्रास्ट बाथ, मेडिकेशंस, मसाज, एक्सरसाइज, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, पोस्चर ट्रेनिंग एंड लास्ट सर्जरी।
तो ये वीडियो में मैं पहले भी सर्जरी छोड़ के बाकी जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि सर्जिकल प्लाट और ओकुलोसल स्प्रिंट जो है वो टीएम जॉइंट स्पेशलिस्ट करते हैं। टू स्टार्ट विथ, शुरुआत जॉ रेस्ट। तो जब भी जॉ का मूवमेंट ज्यादा होता है टेम्परोमैंडिबुलर जॉइंट में असर ज्यादा होता है, तो जॉ का मूवमेंट कम होना चाहिए। तो ये च्यूइंग गम जो यूज करते हैं डेली यूज करना है वो अवॉइड करना चाहिए, और हार्ड फूड लाइक नट्स को ब्रेक करने के लिए, और वाइड माउथ ओपनिंग जैसे एप्पल खा रहे हैं, हैमबर्गर ले रहे हैं, तो ये सब वाइड माउथ ओपनिंग अवॉइड करना चाहिए, एंड यॉनिंग ऑल्सो जितना हो सकता है अवॉइड करना चाहिए। अभी कॉन्ट्रास्ट बात समझो, ये वीडियो देखिए, समझो ये पेशेंट का राइट साइड टेम्परोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन है, तो ये जॉइंट के ऊपर हमें आइस और गरम रखना है। आइस मतलब आइस जेल मिलेगा फार्मेसी में, नहीं है तो घन में ही आइस क्यूब्स जो है वो आइस क्यूब जो है वो टीएम जॉइंट के ऊपर रख सकते हैं। तो ये रखने के पहले कान के अंदर कॉटन रखना है ताकि पानी अंदर ना जाए। उसके बाद आइस क्यूब एक मिनट के लिए, उसके बाद गर्म पानी में ये गॉज डुबा के, नहीं तो प्लेन प्लॉट डुबा के अच्छा सा स्क्वीज करके ये 10 सेकेंड रखना है। तो मैं रिपीट करता हूं, आइस क्यूब एक मिनट और गर्म जो है 10 सेकेंड, ऐसा चेंज करते रखना है 5 नहीं तो 10 बार। तो एक दिन में एक सेशन, ऐसा आपको 5 दिन करना पड़ेगा। ये वार्म एप्लीकेशन, दूसरा जो है ये आइस एप्लीकेशन। कॉन्ट्रास्ट बात तो मैं आपको बताऊंगा, ये आइस और गर्म, ठंडा और गर्म क्यों रख रहे हैं। ठंडा इसलिए कि वो इमीडिएट पेन रिलीफ करेगा और मसल स्पैसम कम करेगा, गर्म इसलिए ताकि वो एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ जाए, बढ़ने से टेम्परोमैंडिबुलर हीलिंग प्रॉपर होता है। नेक्स्ट मसाज, जैसे मैंने पहले बताया था ये टीएम जॉइंट और उसके पास में ये जॉ ओपन करने के लिए मसल सेपरेट होता है और जो बंद करने के लिए मसल सेपरेट है, तो ये मसल स्पैसम की वजह से ये प्रॉब्लम्स है। तो ये स्पैसम रिलीव करना है, ये दोनों साइन में अलाइनमेंट ठीक होना चाहिए, स्ट्रेंथ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ठीक होना चाहिए, इसलिए हमें मसल एक्सरसाइज भी, मसाज भी करना है, एक्सरसाइज भी करना है। तो ये वीडियो देखिए, इसके ये वीडियो में आपको मसाज के बारे में बताऊंगा। पहले मैसेट्रिक मसल, जो मैसेट्रिक मसल जो है ये पोजिशन दोनों साइड, तो हाथ इधर रखने के बाद पेशेंट को दांत कतरने के लिए बोलेंगे तो उधर ऐसा स्वेलिंग आएगा, वो मसल का पोजीशन है, वो 5 नहीं तो 10 बार मसाज करना है। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन जो है इधर कान के ऊपर, ये टेम्पल साइड में 10 नहीं तो 15 बार मसाज करना चाहिए। तो ये दोनों मसल मसाज करेंगे तो वो मसल रिलैक्स होने का चांसेस है। अब तीसरा नेक्स्ट एक्सरसाइज, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो ये मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करके दोनों साइड का मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। पहले का एक्सरसाइज पेशेंट के पास बोलेंगे कि मुंह खोलने के लिए और मैं बंद करने के लिए ट्राई करूंगा, 1, 2, 3, 4 ऐसा 15 बार, 10 नहीं तो 15 बार। नेक्स्ट जॉ लेफ्ट साइड के मूव करना है पेशेंट, मैं राइट तरफ मूव करने के लिए ट्राई करूंगा, 1, 2, 3 ऐसा 10 नहीं तो 15 बार। ऐसा ही दूसरा साइड में भी करना है, एक पेशेंट राइट साइड जॉ मूव करेगा, मैं ऑपोजिट साइड पुश करूंगा, एक फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, 3 मैं आपको बता दिया। अभी और एक है, समझो राइट साइड जॉइंट में प्रॉब्लम है ये पेशेंट में, तो मुंह खोल के वो जॉइंट के तरफ
एक फिंगर उधर पहुंचेगा, लगा छू के देखेंगे तो एक स्पॉट में दर्द होगा, मतलब वो स्पॉट में मसल स्पैसम है, तो वो जहां मसल स्पैसम है उधर आपको मसाज करना पड़ेगा 10 नहीं तो 15 बार। तो मैंने इसमें आपको 4 एक्सरसाइज समझाया है, तो हर एक्सरसाइज जो है 10 नहीं तो 15 बार, एक दिन में एक सेशन, ऐसा 5 दिन करना चाहिए आपको। जो रस बता दिया, कॉन्ट्रास्ट बात, एक्सरसाइज एंड मसाज, सिर्फ 2 नहीं तो 3 दिन के लिए आपको पेन किलर्स मिलेगा, और जो पेन किलर मसल रिलैक्सेशन के साथ रहे, तो इसमें ये खाने से पेट जलन बढ़ने का चांसेस है, इसलिए साथ में एक एंटासिड भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा। कभी कभी क्रॉनिक पेशेंट्स में एंटी डिप्रेसेंट कभी कभी प्रिस्क्राइब किया जाएगा। नेक्स्ट जो है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, बहुत सारा पेशेंट्स को घर में नहीं तो वर्किंग प्लेस में स्ट्रेस के वजह से दांत चबाने का आदत है, टीथ क्लेंचिंग हैबिट रहने का चांसेस है, और उनका पोस्चर भी ठीक नहीं रहता। मैं पोस्चर के बारे में बताऊंगा। अब पहला पिक्चर देखो, ये पहला पिक्चर में नॉर्मल पोस्चर जब है तो ऐसा लगेगा कि 4 नहीं तो 5 किलो सर में है, बट इसका वजन हमें महसूस नहीं होगा। अगर जो हेड एंगुलेशन 15 डिग्री हो गया तो ये वजन 12 किलो का इक्विवेलेंट होगा। अगर जो 30 डिग्री है तो 17 किलो, 45 डिग्रीज है तो 22 किलो, और 60 डिग्रीज है तो 27 किलो। तो ज़्यादा देर क्या होता कि काम सब खत्म होने के बाद घर आने आके डिनर खा के नाइट में सोने के पहले बेड में पड़ के फोन देखते हैं लोग, तो पोजीशन ये रहता है। तो क्या होता है वो टाइम में 22 किलोज नहीं तो 27 किलोज हेड में हेड एक्स्ट्रा वेट रखने का इक्विवेलेंट है, तो मसल नेक मसल स्पैसम हो सकता है, इसका असर आपको टीएम जॉइंट में भी हो सकता है। हेड पोस्चर कंप्यूटर में देखने के लिए कुर्सी में ठीक से बैठना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके असर टीएम जॉइंट में भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है लास्ट जो है सर्जरी, ये मैक्सिलोफेशियल सर्जन ने तो टीएम जॉइंट स्पेशलिस्ट से करते हैं, बहुत कम परसेंटेज पेशेंट, समझो 2-5% में ही सर्जरी है, तो इनिशियल ट्रीटमेंट ठीक से हो जाएगा तो सर्जरी हम कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये वीडियो में बताया था, होम केयर में आप जॉ रेस्ट और कॉन्ट्रास्ट बाथ, एक्सरसाइज, मसाज ठीक से करेंगे तो टीएम जॉइंट डिसफंक्शन कंप्लीटली हम क्योर कर सकते हैं। नमस्ते।